Hello student, today we are going to study the first chapter of business studies, that is the nature and significance of the management. इस chapter में हम लोग जो आपका content है, that is the concept of the management, then characteristic or feature of the management, objective, importance, nature, level and function of the management के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा coordination एक topic है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट. तो सबसे पहला चीज आता है कि ये मैनेजमेंट होता क्या है. तो मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज. ऑल द एक्टिविटीज मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होता है उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल का अगर मेन एम ये है कि बच्चों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना, या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि ज्यादा से ज्यादा हायर प्रॉफिट गेन करना, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज होती है ताकि हम लोग गोल को अचीव कर सके. तो उसी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. यहाँ पे मैंने एक आपका डेफिनेशन लिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, management is the process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. तो यहाँ पे मैंने तीन चीजों को हाईलाइट किया है. सबसे पहला तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी काम को सीक्वेंस में करना, स्टेप वाइज करना. of getting things done with the aim of achieving goal, whatever goal may be. हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है, तो उस गोल को फुलफिल करने के लिए हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं. बट यहाँ पे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है. अब ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होता क्या है, मैंने यहाँ पे स्लाइड में आपको प्रोसेस का मीनिंग बताया है. जैसा कि इसमें दिया गया है, इट रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट बट सेपरेट फंक्शंस. तो प्रोसेस के अंदर हम लोग ये पांच फंक्शंस का यूटिलाइज करते हैं. तो सबसे पहला होता है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो जब आपको कोई भी गोल को फुलफिल करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करते हो. सबसे पहले वी नीड टू प्लान. प्लान करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस चीज को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फुलफिल करते हैं. एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है और उसके बाद स्टाफ को हम लोग टास्क असाइन करते हैं. दैट कम्स अंडर द डायरेक्टिंग एंड आफ्टर दैट कंट्रोलिंग. टाइमली उन लोगों ने काम को कंप्लीट किया है या नहीं किया है ये हम लोग कंट्रोलिंग में देखते हैं. नेक्स्ट जो आता है दैट इज एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस. तो एफिशियंसी का मतलब होता है कि efficiency means doing the things right, सही तरीके से करना. It means to ensure optimum utilization of resources to reduce the cost. Main यहाँ पे चीजें देखी जाती है कि हम अपना objective तो fulfill कर रहे हैं या achieve कर रहे हैं, but ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो भी resources है उनका हम better utilization कर सके ताकि हमारी cost को हम reduce कर सके. क्योंकि जितना ज्यादा आप कॉस्ट को रिड्यूस करोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द इफेक्टिवनेस. तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट मींस डूइंग द थिंग राइट थिंग, सही तरीके से काम करना. इट मींस टेकिंग करेक्ट डिसीजन एंड एक्शन इन एवरी सिचुएशन टू अचीव द टारगेट. टारगेट को अचीव करना सिर्फ इसका मेन फोकस होता है और टाइमली काम को कंप्लीट करना. एक मैंने केस स्टडी क्वेश्चन लिया हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड. तो रंजन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ गारमेंट कंपनी. ही हैज बीन गिवन द टारगेट टू प्रोड्यूस 30,000 शर्ट पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹400 पर शर्ट. तो रंजन एक प्रोडक्शन मैनेजर है गारमेंट कंपनी का. उसको एक महीने में 30,000 शर्ट बनाने का टारगेट दिया गया है और एक शर्ट का कॉस्ट जो है दैट इज ₹400. उसने टारगेट तो अचीव कर लिया बट कॉस्ट जो है उसका इंक्रीज हो गया, दैट इज ₹450. डू यू थिंक मैनेजर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट? क्या आपको लगता है कि मैनेजर जो है वो इफेक्टिव है या एफिशिएंट है?
तो आंसर आपका आएगा मैनेजमेंट मैनेजर इज इफेक्टिव. क्यों? क्योंकि उसने टारगेट को अचीव कर लिया है, बट ही इज नॉट एफिशिएंट. क्यों? बिकॉज कॉस्ट जो है उसका इंक्रीज हो गया है. वन मोर केस स्टडी आपका है इसी टॉपिक से रिलेटेड. सीमा वर्क्स एज अ इंटीरियर डिजाइनर इन अ कंपनी. शी हैज बीन asked to get 30,000 photo frame made in a week time at the rate of 300 per photo frame. She gets the work completed within 8 days at the rate of 250 per frame. तो सीमा एक इंटीरियर डिजाइनर है और उसको टारगेट दिया गया था कि एक वीक में, दैट इज 7 डेज में, उसको 3,000 फोटो फ्रेम बनाना है, दैट टू इन अ 300 रुपीज पर फोटो फ्रेम. She gets the work completed within 8 days at 250 per frame. उसने काम तो complete किया 8 दिन में और cost भी उसका reduce हुआ. Do you think Seema is effective and efficient in her work? क्या आपको लगता है कि Seema जो है वो effective है और efficient है अपने काम में? तो yes, Seema जो है वो efficient है क्योंकि cost को उसने reduce किया, but वो effective नहीं है क्योंकि जो target था उसको 7 दिन में कंप्लीट करना था, उसने उसको 8 दिन में कंप्लीट किया. तो आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा. तो कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट. थैंक यू.